हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। ये मेरी मम्मी के माधव है। मैं पहले बता देती हूँ, वरना पूछती है कौन है, नए लिए कब लिए, तो अब तो कई लोग जान गए होंगे। ये मेरी मम्मी के माधव है जो ऐसे ही घूमने आए थे, लेकिन ये सब इनकी जो पहले से ही प्लानिंग होती है, क्योंकि इनको रहना था मेरे पास। फर्स्ट टाइम ये मेरे पास 2-4 दिन रहने आए हैं, मतलब बिहारी जी परिवार के साथ रहने आए हैं। इनको बड़ा मन हो रहा था, देखो कितने सुंदर है, प्यारे से। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो जब ये आए थे तो मम्मी बस घूमने आई थी ऐसे ही, तो शाम को वापस चली गई थी। बट ये तो इसलिए माधव की कोई भी ड्रेस नहीं थी मेरे पास, और मैं जब लड्डू गोपू पहना रही थी तो इतनी बड़े झबले आ रहे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 नंबर के ही हैं, छोटे से, बहुत छोटे से 3 नंबर। तो मैंने कहा, फिर मैंने कुछ शॉपिंग करी है इनकी ड्रेस की, और अपने यहाँ मार्केट से ही करी है, ठीक है, उनका कोई ऑनलाइन काम नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ड्रेस वगैरह ही दिखाऊंगी। और ये देखो पगड़ियाँ भी ली हैं, तो आज ये वाली ड्रेस मैंने इनको पहनाई है, जो बहुत सुंदर लग रही है। और ये हर ड्रेस में सुंदर लगती है मेरे माधव बाबू। देखो देखो इनकी स्माइल, देखो कितने प्यार से आपको राधे राधे बोल रहे हैं। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, और मैं कोशिश करूँगी कल जो एकादशी है, ठीक है ना, कल बरूथनी एकादशी है, और एकादशी पे मैं सिर्फ इन्हीं का श्रृंगार की कोशिश करूँगी, क्योंकि सब कहते हैं इनका श्रृंगार कभी नहीं दिखाया, इनका कभी नहीं दिखाया, देखो कैसे रहे। तो इनका श्रृंगार की मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जो मैं ड्रेस लाई हूँ, और सब बिहार जी परिवार के साथ जो ड्रेस है मैच की मुझे थोड़ी बहुत मिल गई है, तो वो बन ठीक है। ये अब मैं इनको बिठा देती हूँ। तो एक ड्रेस तो पहले आप ये वाली ड्रेस देखिए, ये है नेट की ड्रेस जो गर्मियों की है, तो पहले आप इसी से शुरुआत करते हैं। तो ये है गर्मी की ड्रेस, वो सुंदर, मतलब कि डार्क पिंक कलर में है, और ये इस तरह से लगी हुई है। तो नीचे मैंने इनको ये वाली पहना दी है, होजरी वाली बनियान, जो बनियान पैंटी का सेट रहता है। और ये है पगड़ी, पहले फर्स्ट नंबर पे मैं आपको यही ड्रेस दिखा रही हूँ। देखो वर्क कितना सुंदर है, और मैं हल्की सोच के लगी, बड़ी मुश्किल से हल्की मिली है, क्योंकि अभी इनके पास आई नहीं थी जब मैं गई थी। और ये पगड़ी हैवी है, तो ये ड्रेस है सुंदर सी, देखिए। तो एक ये ड्रेस है, तो क्योंकि और जो 81 पे कल पहनेंगे, तो ये वाली ड्रेस है मेरी, सुंदर लग रही है ना, तो ये सुंदर लग रही है ना, और कॉटन की है ये, देखिए। तो मैं दिखा देती हूँ, वो 3 नंबर का है कान्हा जी, तो 4 नंबर की ड्रेस है। 1 नंबर बड़ा ही मिलता है, और 1 नंबर बड़ा ही लेना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है फ्लेयर वगैरह। तो ये देखिए, ये अब मैं बस यही निकाल के दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता लगे कितनी सुंदर है, कॉटन की ड्रेस है एकदम, ठीक है, धुलेगी तो ये और सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक माधव की ये वाली है, जो कल 81 के दिन पहनेंगे माधव बाबू, ना माधव बाबू बोल देती हूँ। और एक थोड़ी सी मैच करती हुई मैं ये लाई हूँ, ये देखिए, तो ये वाली है, मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि एक कॉटन है, एक येलो भी थी, तो मुझे बहुत सुंदर, येलो तो फिर मैं लेती ही लेती, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है येलो। तो ये देखिए येलो, और मल्टी कलर टाइप इसको आप समझ सकते हो, तो सेम वही पैटर्न है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। तो एक ये है, एक इन्होंने माधव ने पहन रखी ये है, एक वो पिंक कलर की है, और ये गम भी ले आई थी। तो कई लोग बोलते हैं कि आप किससे चिपकाते हो, तो एक आपको ये मोम की डिब्बी आती है, ये श्रृंगार की शॉप से ही मिलेगी। वैसे तो मैं ब्लू टेक का ही सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ, ब्लू टेक का करती हूँ, वो चिंगम टाइप होती है, स्टेशनरी की शॉप से मिल जाती है। बट ये वाली सस्ती आती है डिब्बी, ये आपको 10 रुपये की 15 रुपये की डिब्बी मिल जाती है, इसमें थोड़ा सा ऐसे तोड़ के तो आप चिपका सकते हो, ठीक है जी। और इसे टाइट बंद करके रखा करो, सूख भी जाती है ये, ठीक है। और एक ड्रेस में लाई थी बहुत सुंदर सी, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये वाली वाव ड्रेस है, वाव बिल्कुल वाव, ये बटरफ्लाई बनी हुई है तितली। अगर इसे मुझे साइज नहीं मिला, वरना मैं अपने सबके लिए लेके आती, लड्डू लाडले गोपू गोपी के लिए भी, इस तरह से ये खुल जाएगी तो पूरी बटरफ्लाई बन जाएगी, ये देखो ऐसे, इतना सुंदर है ना। तो ये प्योर कॉटन है, दोनों तरफ से ऐसे ही है, ये बहुत ही सुंदर है ये वाली। तो ये वाली मैं मम्मी को बोलूँगी कि मम्मी आप ये वाली अक्षय तृतीया पे पहनाना, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि उस दिन येलो, मेरा तो वैसे भी हर चीज़ में येलो ही मन होता है,
लेकिन मेरे को ये बहुत सुंदर लग रही है। और देखो इसमें स्माइली भी बनी हुई है ऐसे, और ये बांधने के लिए चोली। तो एक ये है बहुत सुंदर सी पोशाक मेरे माधव बाबू की, मम्मी के माधव बाबू की तो हमारे भी हुए है ना। एक्चुअली में मम्मी ना भाई मानती है माधव को, शुरू से ही उन्होंने भाई माना। तो देखो मेरी शादी भी वहीं होगी ब्रज में, बिहारी जी वहीं ले गए, तो ये छोटे से हमारे मामा जी हो गए। अब इनसे कितने रिश्ते बनाएंगे हम, कितने बताओ। ये छोटे से इतने सुंदर थे बाबू जी, मामा जी हो गए आप हमारे मामा जी। ये देखो तो एक ये है, ठीक है जी, भाव की बातें हैं ये, तो भाव की जैसी आप मन में धारणा बनाओगे जो रिश्ता बनाओगे वही हो जाता है, ठीक है जी। तो इनका मन हुआ यहाँ पे आने का बिहार जी परिवार के पास, फर्स्ट टाइम ये रुके हैं, फर्स्ट टाइम, कभी नहीं रुकते, हमेशा आते चले जाते हैं। और एक लाई थी मैं ये ग्रीन कलर की, तो ये भी सेम यही है। तो मैं बट ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, तो ये इस तरह से शाइन देखो। और नीचे मैंने वो इनर पहना रखी है, तो आप इसके नीचे इनर जरूर पहनाएं, क्योंकि चाहे नेट होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो होता है जब तक धुलता नहीं है। तो ये देखिए तो सेम वही पिंक वाली है, ये देखिए। तो एक्चुअल में ये मैं लाई थी, सब होगी ड्रेसें अब आपको दिखाती हूँ। पगड़ी तो फर्स्ट पगड़ी यही है जो मैंने आपको क्लोजअप करके मल्टी कलर की दिखा दी थी, और सेकंड पगड़ी ये है। तो जितनी ड्रेस थी उतनी ही पगड़ी लाई हूँ। तो ये येलो और रेड कलर की ड्रेस के साथ की पगड़ी है, यही बटरफ्लाई वाली ड्रेस के साथ की पगड़ी। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो कभी जैसे मैंने माधव को पगड़ी पहनाई तो थोड़ी सी ढीली आ रही, माधव का मुँह बहुत छोटा है, तो यहाँ पे ब्लूटेक चिपकन आती है वो लगा दो, या कॉटन होती है ना रुई, उसको आप थोड़ा सा अंदर टक कर दोगे तब भी पहनाई जाएगी। क्योंकि इतने छोटे जो लाला होते हैं उन पे बाल भी नहीं अच्छे लगते, क्योंकि इतना सा तो मुँह ही होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर ये थोड़ा सा होल आपको बड़ा लग रहा है तो आप कॉटन लगा सकते हो, नहीं तो चिपकन लगा के भी चिपका सकते हो। जैसे ये थोड़ी सी बड़ी पगड़ी है ऐसी ये लग रही है मुझे, तो मैंने ब्लूटेक लगा दी है तो टिक गई आराम से। तो देखिए बटरफ्लाई ड्रेस के साथ की पगड़ी है, मैच करती मिल गई थी मुझे। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये है, तो मम्मी अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो मम्मी आप ये वाली जो ड्रेस है अक्षय तृतीया पे पहनाना, मुझे भी बहुत खुशी होगी, ठीक है मम्मी। तो है ना मम्मी जी, ठीक है ना। और मम्मी जो तो ऐसे ही बोलते हैं ना मम्मी। चलो ठीक है, एक ये हो गई पगड़ी, और एक ये है जो मल्टी कलर की वो वाली ड्रेस, ये वाली सर इसके साथ है। ये देखिए इसके साथ की ये पगड़ी है, वैसे तो मैच करते लाई हूँ, मैं अब देखूँगी कल श्रृंगार करूँगी किसके साथ ही पहना दूँ, क्योंकि इसमें ये तीनों कलर आ रहे हैं। देखिए इसमें ये तीनों कलर आ रहे हैं, देखिए देखिए कितनी सुंदर पगड़ी। ऐसे मेरे लड्डू गप्पू के पास भी है, नहीं एक साल पहले, एक डेढ़ साल हो गया, याद ही नहीं आ रहा था। देखो कितनी इसमें, मतलब मैं देखती हूँ, या तो कल मैं यही पहनाऊँगी, देखूँगी, बहुत सुंदर लग रही है, बट ये मैच इसके साथ ज़्यादा कर रही है। तो एक और पगड़ी है वो भी दिखाऊँगी। देखो ये पगड़ी है बहुत सुंदर सी, तो माधव बाबू आए फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कहा हमें घुमा के लाओ, शॉपिंग करा के लाओ। तो मैं तो हमेशा सोचती हूँ अच्छा हो चाहे कुछ भी हो, वो हमारे बिहारी जी जो चाहते हैं वो ही होता है। तो उनकी इच्छा थी तो ये सब हुआ। तो ठीक है जी, अब जब ये कवल ये वाली ड्रेस पहनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो पगड़ी मिली थी वो ये मिली थी, तो ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बाकी मैं देखती हूँ वो अच्छी लगी तो वो पहनाऊँगी, ये अच्छी लगी, पर ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी। किस किस को ये पगड़ी सुंदर लगी है ये बताना मुझे, ज़रूर से कमेंट में बताना कि आपको सबसे सुंदर कौन सी लगी है, और सारी लगी तो सारी भी बता सकते हैं। बाकी तो मुझे बहुत मुश्किल से मैंने छाटा क्योंकि मिली नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो ये देखिए, तो ये वाली ड्रेस जो कल 81 में पहनेंगे, तो ये पगड़ी है इसके साथ, यही डालूंगी, मुझे तो बहुत ही प्यारी सी लग रही है ये देखो। तो ये पगड़ी एक इसके साथ आइए, ठीक है, ये इसके मैचिंग की लाई हूँ। और ग्रीन ड्रेस जो आपको मैंने दिखाई है ये वाली, उसके साथ में ये लाई थी, वो कुदरती ये भी। तो देखो कि हर मुझे बिहारी जी ने हर कलर की दिखा दी। ये देखो ये कलंगी वाली, ये देखो कितनी सुंदर, इस पर पीछे
कलंगी लगी हुई है, ये देखिए है ना बहुत सुंदर। तो एक पगड़ी ये है ग्रीन ड्रेस के साथ की, तो बहुत सुंदर सुंदर है ना। और माधव भाई इतने प्यारे और भी सुनने लगेगी हमारे माधव बाबू पे, ये देखो, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है अभी से। तो एक ये पगड़ी है ग्रीन ड्रेस के साथ, पहले मैं आपको दिखा दूँ फिर रख लूँगा। और एक ये पगड़ी है ड्रेस के साथ की, ये एक्स्ट्रा आ गई है क्या? एक दो तीन चार, अच्छा एक ये पगड़ी है, ये मैंने एक्स्ट्रा ली थी कि बाई चांस बाई जब कोई मैच ना हो तो, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी ये, तो मैंने ये एक्स्ट्रा ले ली थी पगड़ी। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी लग रही थी, क्यूट सी, जैसे डेली यूज़ की पगड़ी है पर बहुत सुंदर है। कल एकादशी के लिए और सुंदरकांड में भी पहन लेंगे। तो सुंदरकांड की जो ड्रेस है वो मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको, और जो सुंदरकांड पे पहनेंगे वो ये वाली ड्रेस होगी। तो इसके साथ हाँ एक पगड़ी मैंने इसके साथ ली थी, अब याद आ गई मुझे, तो एक पगड़ी मैंने ये वाली ली थी इसके साथ। वैसे तो सच बताऊँ तो ये इसके साथ ली थी, क्योंकि मैं कन्फ्यूज हो रही थी एक पगड़ी मैंने किसके साथ ली, क्योंकि मैं सारा काउंट कर रही थी कि इसके साथ कौन सी लूँगी। तो देखते हैं तो जौन सी इनको अच्छी लगेगी, वो पिंक वाली जो उन्होंने पहन रखी है वो भी मैच हो रही है, बाकी जब मैं पहनाऊँगी ना जब पता चलेगा। ये देखिए ये वाली पहना दूँगी कल, फिर देखते हैं ये वाली पहना देंगे, ये इसके साथ पहना देंगे, क्योंकि इसमें ब्लू और वो आ ही रहा है। तो तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि एक पगड़ी एक्स्ट्रा मैंने किसके साथ ली है। टोपी ड्रेस के जब मैंने वीडियो डाली तो बहुत लोगों ने उनसे बात करी, लेकिन हर कोई जो हेल्दी लेडीज़ है वो ब्लाउज के मारे थोड़ा सा रुक गई कि हमारा इसमें नहीं बनेगा तो कैंसिल कर। जी कैंसिल मत करिए, क्योंकि मैं आपको लाइव पहन के दिखाऊंगी कि जो हेल्दी, देखो मैं भी हेल्दी हूँ, मुझे भी डबल एक्सल आता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने वो ब्लाउज किस तरह से तैयार कराया जिसको आप देख के वाओ बोलेंगे, वाओ, कि आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहिए तो सारे काम हो जाते हैं। तो बस वेट करिए, सुंदरकांड पे वो ड्रेस पहनूंगी, कल तो मैं नॉर्मल जो बिहारी जी ने पहन रखे वही वाला सूट पहन के आऊँगी, और सुंदरकांड पे पूरी गोपी ड्रेस जो उसका ब्लाउज, आप लोगों को टेंशन हो रही है जो हेल्दी हैं, कई फ़ोन गए उनके पास कि नहीं आएगा कैसे सिलवाएँ, तो सबकी परेशानियों का हल मैं दे दूँगी, बाकायदा एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी गोपी ड्रेस की कि कैसे आप बनवा सकते हैं कैसे नहीं, ठीक है जी। बाकी आपको मेरे पहनने से ही पता लग जाएगा, तो चिंता ना करें, ऑर्डर करिए करिए धड़ल्ले से, ब्लाउज चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसे आपको बड़ा कराना है वो मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं भी पहनूंगी, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया, तो ये सब मैंने लिया, और कुछ मैंने ले ली लाडली की पैंटी, क्योंकि लाडली की पैंटी मैंने मथुरा से भी मंगवाई थी दो, फिर वो भी कम पड़ती हैं, तो मैंने मुझे बड़ा साइज दिख गया, एक्चुअल में दिखते ही मैंने सारी, मतलब देखो कितना बड़ा साइज है, तो मेरी लाडली को काफ़ी बड़ा साइज आता है, तो मैंने ये 4-5 ये पैंटी लाडली की और ले ली बड़ी बड़ी, तो मेरी लाडली के पास कोई कमी नहीं रहने की है। और ये वाली जो ली है ये माधव बाबू के लिए ली है छोटी छोटी, और ये गोपी के लिए ली थी, ये देखिए। तो ये सब ड्रेसे, ये सब पगड़ी, और हमारे प्यारे से माधव बाबू, मेरी प्यारी सी मम्मी के माधव बाबू कैसी ड्रेसे ली हैं, आप सबको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में बताना, और जब से जो सबसे सुंदर लगी हो वो भी बताना, और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, इंतज़ार रहेगा। और कल है एकादशी तो कथा की वीडियो भी डल जाएगी, ठीक है जी, और मेरे श्रृंगार की वीडियो डलेगी एकादशी की, ठीक है। तो अब की बार आप मेरा श्रृंगार देखेंगे, ओके, ठीक है जी। राधे राधे, अक्षय तृतीया 3 तारीख की है जिसमें प्रभु के चरण दर्शन होंगे, ठीक है। चलिए जी, मैं और कुछ दिन हूँ, 2-4 दिन, 2-3, हाँ 3 दिन, 3-4 दिन हूँ, इसलिए आप मुझसे मिलते रहिए। राधे राधे।